वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां रेप के आरोपी जमानत से छूटने के बाद भी ऐसे घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि जबलपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप किया था। इस मामले में आरोपी एक साल जेल में रहा, लेकिन छूटने के बाद वह लगातार पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। जब पीड़िता ने केस वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपी ने मौका पाकर अपने दोस्त के साथ चाकू की नोक पर रेप पीड़िता का गैंग रेप किया। उतना ही नहीं, गैंग रेप के साथ साथ आरोपी ने उसका वीडियो भी बनाया। अब वह वीडियो वायरल कर देने की धमकी देकर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। इसकी शिकायत रेप पीड़िता ने दोबारा की है, जिसके आधार पर पुलिस ने फिर मामले की जाँच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म आरोपी ने दोबारा सामूहिक दुष्कर्म किया है। आरोप है कि उसने इस बार अपने दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता के घर उसके साथ गैंगरेप किया। इस वारदात की जानकारी जैसे पुलिस अधिकारी को मिली, उन्होंने तत्काल आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पाटन थाना प्रभारी आसिफ इकबाल के मुताबिक एक युवती ने FIR दर्ज कराई कि वर्ष 2019 में आरोपी विवेक पटेल ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और विवेक को जेल जाना पड़ा। कुछ महीने पहले जब विवेक जेल से छूटकर आया, तो पीड़िता पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाने लगा, धमकी देने लगा। और पीड़िता ने केस वापस नहीं लिया तो आरोपी अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके घर पहुंचा। क्या कुछ कहे सुनिए। जो मिनिया की एक युवती द्वारा बलात्कार की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई गई है, यद्यपि घटना के एक महीने बाद उसके द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। और उसका घटनाक्रम इस प्रकार से है कि एक आरोपी जिसने इसके साथ 2020 में बलात्कार किया था, और अब पुनः उसके साथ उसके घर में जाके उसने रेप जैसी घटना कारित की है, जिसके रिपोर्ट के आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और लगातार अपराधी की तलाश कर रहे हैं। इस वारदात से ये साफ हो गया है कि आरोपी को ना तो कानून का खौफ है और ना ही उसके मन में किसी प्रकार का अपराध बोध है। फिलहाल पुलिस आरोपी विवेक पटेल और उसके दोस्त की तलाश में जुटी है। उसके लिए कई टीम आरोपी के संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला है। देखना है पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम ताज़ा खबर जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़।